और बाद केरल स्टोरी फिल्म को लेकर विवाद की और अब कुछ राज्यों में इसे बैन किया जा रहा है तो कुछ राज्यों में इसे टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही है। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाथी बड़कला स्थित सेंट्रियो मॉल में फिल्म द केरल स्टोरी देखने पहुंचे और साथ ही इस फिल्म को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के जरिए फिल्म निर्देशक ने ये बताने की कोशिश की है कि देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोग किस तरह से बिना किसी हथियार के आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा कि फिल्म काफी अच्छी है और उन्हें लगता है कि इसे देश के हर नागरिक को देखना चाहिए। तो वहीं अब मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बात का खुलासा किया। स्टोरी केरला एक ऐसी फिल्म है जिस पर यह सच दिखाया गया है कि किस प्रकार से बिना गोली बारूद बम इसके बिना किस प्रकार से आतंकवाद को फैलाया जा रहा है, किस प्रकार से जो घिनौनी जो चीजें हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें पूरी तरह से इस बात को दिखाया गया है। ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश के अंदर पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से तेजी से हुआ है उसकी पटकथा है। इसलिए मैं भी जा रहा हूं, अपने सहयोगी गणों को भी, सभी लोग उसमें देखने जाएंगे, हमारी मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में होगी और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सभी लोग इस फिल्म को जरूर देखें। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वो महीने में एक बार खुद हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी विभागों की जो रिपोर्ट है इस पोर्टल पर आ जाएगी हर महीने। इस पोर्टल से संबंधित विभागों के विभाग अध्यक्ष और सचिव भी इसकी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा कि सरकार का मंत्र है सरलीकरण, समाधान, निस्तारण। इसी मंत्र के साथ इसकी शुरुआत की गई ताकि राज्य की आम जनता की परेशानियों का हल जल्द से जल्द निकाला जा सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1905 पर कोई भी आम से लेकर खास व्यक्ति अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत दर्ज करा सकता है जो कि बाकायदा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी दर्ज होती है। आज चूंकि पिछले काफी दिनों से हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और हमारे विभाग भी और ITDTA डिपार्टमेंट भी 1905 जो कि CM हेल्पलाइन है उस हेल्पलाइन को नए तरीके से उसका असेंबल कर रहे थे और आज उसका तीन सेवाओं के साथ आज काम शुरू हो गया है और इस काम के शुरू होने से सभी विभागों की जो रिपोर्ट है उस पोर्टल पर आ जाएगी और जो भी लोग उस काम को करने के लिए सक्षम होंगे वो उसका उत्तरदायित्व भी उसमें निर्धारित हो जाएगा और मासिक पाक्षिक रूप से जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं और सचिव हैं वो लगातार इसकी समीक्षा करेंगे, उसके समाधान के लिए काम करेंगे और प्रत्येक महीने के एक दिन एक दिवस मैं भी अंत में उसकी समीक्षा करूंगा। और इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग द्वारा स्थापित ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे GST विभाग, वन विभाग, खनन विभाग को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, साथ ही इससे परिवहन नियमों को तोड़ने वालों को आसानी से पकड़ा भी जा सकेगा। इस योजना के शुभारंभ के साथ ही जो ANPR पोर्टल को जो इसका भी हम लोगों ने लाइव यहाँ पर प्रसारण भी देखा, इसके शुभारंभ होने पर मैं परिवहन विभाग के एवं राज्य कर विभाग के एवं सभी विभागों के जो भी विभाग इसमें सम्मिलित हैं मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा काम आज यहाँ पर शुरू हो रहा है काफी दिनों के प्रयास के बाद। जैसा आपने बताया सनत जी जिन्हें छह माह लग गए ना, छह माह के काम के बाद जो है ये शुरू हुआ है और अभी लोगों को जागरूक करने का काम भी इसमें आप सबके द्वारा किया जाएगा और इसके माध्यम से जो हमारे वाहनों के स्वामी हैं या वो हैं उनके सभी को SMS के माध्यम से संदेश भी भेजे जाएंगे और GST विभाग
को भी सीधे सीधे इसका लाभ मिलेगा, अन्य संबंधित विभाग भी कहीं ना कहीं इससे अपनी कार्यप्रणाली में, जैसा कि अभी आपने बताया वन विभाग है हमारा, खनन विभाग है, इन सभी विभागों को सीधे सीधे कहीं ना कहीं इसकी सहायता के रूप में मिलेगा। और इन कैमरों का जो इंटीग्रेशन है और वो ई चालान, और जिस प्रकार से अगर कोई परिवहन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वो भी इसकी पकड़ में आ जाएगा और इसके घेरे में आ जाएगा, जिससे एक जागरूकता अगर बढ़ेगी, जो आप लोग 30 जून तक कार्यक्रम चलाने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ काफ़ी सारे लोग जो हमारे नियम हैं उन सबका नियमों का स्वतः ही जो है पालन करना प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि लोगों को अगर ये उनके मन में ये आ गया कि विभाग पूरी तरह से चीज़ों को अपना रहा है और कोई भी बच नहीं सकता है, नियमों का पालन करने से कोई बच नहीं सकता, और नियमों को कोई तोड़ेगा तो कहीं ना कहीं वो उसमें पकड़ में आ जाएगा, तो स्वतः ही लोगों की जो दिनचर्या है, जो काम करने का तरीका है, वो एक अनुशासन में आ जाएगा, डिसिप्लिन उसमें आ जाएगा, और उसके कारण से जो आज तमाम प्रकार की दुर्घटनाएं हैं, तमाम प्रकार का अपराध है, तमाम प्रकार के जो ऐसे काम हैं या चोरी के रूप में अन्य रूप में सामने आते हैं, उसमें कमी होगी या वो बिल्कुल ही समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे।